जोधपुर की कोणार्क कार के अधिकारी, जोधपुर शहर में रहे सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों, गौरव सेनानी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चक्र और पुष्प चढ़ा के श्रद्धांजलि दी गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जोधपुर के अधिकारी कर्नल दिलीप सिंह खंगारात ने इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेजर शैतान सिंह के पास केवल 124 सैनिक थे और चीन के 3000 सैनिक थे। मेजर साहब ने चीन के 2000 सैनिकों को खात्मा कर दिया और चीन के सैनिकों को भगा दिया। अंत में मेजर साहब 144 सैनिकों के साथ शहीद हो गए। आपकी इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने भारत का सबसे बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। तकरीबन 5000 चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह कर्नल बहादुर जवानों ने जोधपुर का संबोधन चीनी सेना का मुकाबला किया। मेजर शैतान सिंह जी इस युद्ध में गंभीर रूप में घायल हो गए थे और उनको वापस बटालियन हेडक्वार्टर लौट आने का आदेश मिल चुका था, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ने का निर्णय लिया। बताया जाता है कि इस युद्ध में तकरीबन 3000 चीनी सैनिक मारे गए थे। अंत में मेजर शैतान सिंह जी और उनके 114 बहादुर अहीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और वीरगति को प्राप्त हो गए। मेजर शैतान सिंह जी को मरणोपरांत देश का सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज उनकी 59वीं पुण्यतिथि है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनको नमन करते हैं। ये देश उनके इस महान योद्धा के बलिदान को कभी नहीं भुला पाएगा। जय हिंद। मैं कर्नल दिलीप सिंह खंगारोट, मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जोधपुर। धन्यवाद।